नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुल एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरेक्ट स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट 2024 पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, 20 मई से आपके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी को सेकेंड सेमेस्टर भी करवाना है और उसका भी जल्दी से जल्दी टाइम टेबल डालना है। इससे पहले ये धीरे धीरे है ना जो रिजल्ट सबका जारी कर रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पर भी अपन बात करेंगे। और यहाँ पर अपन बात करेंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट जो बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट कब आएगा। आज रिजल्ट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट, उनका 24 मई यानी आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपकी जो ऑफिशियल साइट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उसमें अभी नहीं दिखा रहा है लेकिन जल्दी ही दिखा देगा, तो वहाँ से आप जाकर उस रिजल्ट को, अपने जो रिजल्ट है उसको बड़े तरीके से आप देख लोगे। इस एनालिसिस के आधार पर अपन बीए सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट की डेट बताएंगे। और यहाँ पर सबको समझने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर आपके जो मार्कशीट है उसमें पास फेल बैक क्यों नहीं लिखा रहा है। जो बैक है यानी नीचे जैसे मार्कशीट होती है, आपकी जो रिजल्ट की मार्कशीट दे, यदि आपने निकाला होगा तो उसमें दे रखा होगा सब्जेक्ट के आगे जो अंक होते हैं वो सब डाल रखे हैं। नीचे पहले क्या होता था कि यहाँ पर या तो फैल लिखा आता था या बैक लिखा आता था या फिर अदर चीज़ें RWEX RWEN ऐसे कुछ लिखा आता था, लेकिन अब की बार इसकी जगह और कुछ लिखा रहा है। और वो क्या लिखा रहा है? टोटल क्रेडिट स्कोर। तो इस पर भी अपन बढ़िया तरीके से बात करेंगे। तो क्या समस्या है? पहले पास फेल और बैक लिखाता था लेकिन अब की बार ये नहीं लिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसको धीरे से अपन एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पास फेल और बैक। आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें पास फेल और बैक नहीं लिखा रहा है, उसमें बैक नीचे नहीं लिखा रहा है, लेकिन ये जो बैक का चिन्ह है वो स्टार है। यदि किसी सब्जेक्ट के आगे, जैसे मान लीजिए आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें जैसे आपके जो मेन पेपर हैं, मेन सब्जेक्ट के पेपर हुए होंगे, वो 120 अंकों के हुए होंगे, तो पास मार्किंग 40% आपको लाना जरूरी था। यानी आपके सिलेबस में बता रखा था कि 48 अंक आपको लाने हैं। यदि 48 अंक से कम नंबर आए हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लिखा आ रहा होगा, ठीक है। यदि इससे कम रहे तो बैक कर देगा, लेकिन नीचे नहीं लिखा रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि सेमेस्टर फर्स्ट में किसी को भी फेल नहीं किया गया है, किसी को भी पास नहीं किया गया है, सिर्फ आपको टोटल क्रेडिट अंक बता रखे हैं। सेकंड सेमेस्टर को दोनों को मिलाकर फिर बाद में ये लोग बताएंगे कि आप फेल हुए हो पास हुए हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर REX किसी के लिखा रहा है, BA वालों के भी लिखाएगा, ठीक है, जो BSc वाले हैं उनके भी लिखा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी आपने कॉलेज में या तो जमा कर नहीं कराई है, यदि जमा कराई है तो आगे नहीं भेजी गई है, ये प्रॉब्लम है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। एक शब्द लिखा रहा है RWEN, EN का मतलब एनरोलमेंट नंबर, ये नहीं आ रहे होंगे। और इसका एक फॉर्म लगता है जो आप कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर वो एनरोलमेंट का फॉर्म आपको भराना पड़ेगा। माइग्रेशन से संबंधित वो आपने दे दिया होगा माइग्रेशन, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा होगा, वहाँ पर नहीं चढ़ाएगा, तो इस प्रॉब्लम का समाधान भी आपकी कॉलेज में ही होगा। और किसी के में तो ए लिखा रहा है, इसका मतलब एबसेंट हो, आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उपस्थित हो गए लेकिन उसमें फिर भी ये डबल ए दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे से समस्या है। तो कॉलेज में जाकर इसका समाधान आप करवा लोगे, ठीक है। अब मेन जो पॉइंट की बात है, टोटल क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। आपकी जो मार्कशीट रिजल्ट निकालोगे उसमें टोटल क्रेडिट जरूर दिखा रहा है, इस वाले बॉक्स में यहाँ पर लिखा होगा टोटल क्रेडिट। तो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में 26 क्रेडिट होने चाहिए। यदि 26 क्रेडिट आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सारे पेपरों में पास हो। एक क्रेडिट का 25 अंक होता है, तो 26 क्रेडिट का आप 650 अंक हो जाएंगे। इसका मतलब जितने भी आपके सेमेस्टर फर्स्ट में एग्ज़ाम लगे थे उनका टोटल 650 अंक होना चाहिए, यानी 26 क्रेडिट होना चाहिए, तब तो आपका पेपर न तो बैक है, आप पास हो, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं आ रहा है। यदि इस 26 अंक से 13 से लेकर 26 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कोई ना कोई पेपर बैक रहा है, और उस बैक पेपर के ऊपर लिखा रहा होगा, स्टार का चिन्ह
लगा आ रहा होगा उसमें, तो टोटल क्रेडिट दिखा रहा है, पास फेल इस बार नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये चीज़ें की जा रही हैं। क्योंकि फेल दिखाते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, इसलिए डीमोटिवेट नहीं करने के लिए चीज़ें अब हटा दी गई हैं। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे पता करें सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ये सोच रहे होंगे कि मेरा बैक रह गया और मैं सेकंड सेमेस्टर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो आपको पता है एग्ज़ाम फॉर्म आपके भरवा लिए गए हैं, तो सेकंड सेमेस्टर आप दे पाओगे, बिल्कुल 100% आप दे पाओगे। चाहे आप के सेमेस्टर फर्स्ट में अंक कम आए हों, लेकिन ये आप दे पाओगे। ये सेकंड सेमेस्टर एक चांस आपके पास में, अच्छे अंक इसमें ले आओगे तो वहाँ पर शायद बढ़ोतरी कर दी जाए। ऐसा अभी पहले नहीं बता रहे क्योंकि सेमेस्टर पहली बार लागू हुआ है, तो सेकंड सेमेस्टर में यदि आप अच्छी तरीके से अंक लाते हो तो वहाँ की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, 100% आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाओगे। अब एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा आपके कि जो पेपर बैक रहे हैं, स्टार का चिन्ह आ रहा है, वो कब लगेंगे। तो उसका जो पेपर है वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं लगने वाला है, उसका पेपर जैसे सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट आ गया, सेकंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपकी मार्कशीट तैयार हो जाएगी और टोटल आपको सेमेस्टर फर्स्ट में 650 यानी 26 क्रेडिट और सेकंड में भी आपको 650 अंक चाहिए यानी 26 क्रेडिट चाहिए, यानी टोटल 52 क्रेडिट होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे कि 1300 अंक टोटल होने चाहिए, यदि टोटल 1300 अंक है तो दोनों सेमेस्टरों के आपके सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे कम है तो जो पेपर बैक रहा है उसकी एग्ज़ामें यदि आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हो, आपकी बैक कम लगी है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में यानी सेकंड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और जो पेपर बैक रहा है वो सेकंड ईयर में जाकर लगेगा। तो जो बैक पेपर है उसकी चिंता नहीं करनी, अब बैक रह गया तो रह गया, ठीक है, उसके एग्जाम में अब आया था जो आपको सेकंड सेमेस्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन है ना जो BA सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और ये रिजल्ट कब आएगा, तो इसके एनालिसिस के आधार पर अपन बता देते हैं कि अब जल्दी से जल्दी है ना जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना जो रिजल्ट जारी कर रही है, इसका 20 मई को रिजल्ट जारी हुआ, इसका है ना जो 24 मई को रिजल्ट जारी हुआ, तो इसमें अंतर है ना जो 4 दिन का आ रहा है। ठीक है, 4 दिन का अंतर आ रहा है। अब मैं अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले नहीं बताती है कि हम कब रिजल्ट जारी करेंगे, तो यहाँ पर कम से कम तो 4 दिन का गैप मान लो, या आ जाए तो कल या परसों आ जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं, लेकिन अधिकतम अपन है ना जो 7 दिन मान सकते हैं, 7 दिन से ज़्यादा का टाइम ये नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मई में है ना जो इनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बार जो मई में तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम टेबल आ सकता है आपका, क्योंकि पहले टाइम टेबल आएगा उसके बाद में आपको 15 दिन दिए जाएंगे, तो जोर मार के 4 दिन तो लग ही जाएंगे आपके। ठीक है, या इससे कम पहले भी आ सकता है, अधिकतम है ना जो आपके 7 दिन, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं, इन 7 दिनों के अंदर है ना जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो आपकी साइट है उस पर आप अपना रिजल्ट देखोगे और ये सारी की सारी प्रॉब्लम है ना जो आपकी समाप्त हो चुकी है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको आपका पेपर कैसा भी हुआ हो बैक रह जाएगा, पेपर बैक रह सकते हैं, फेल तो नहीं कर रहे। सेकंड सेमेस्टर आप बढ़िया तरीके से दे सकते हो, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।